बहराइच जनपद के महसी इलाके में पिछले डेढ़ माह से आदमखोर जानवर का आतंक जारी है। इस रहस्यमयी जानवर ने अब तक 5 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत कर 3 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हमला अभी भी जारी है। लगातार हरदी इलाके के कुछ गांवों में हो रहे रहस्यमयी आदमखोर जानवर के हमले की वजह से जिला प्रशासन ही नहीं, जिले का पूरा अमला हैरान एवं परेशान है। अब खुद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह लगातार ग्रामीणों के साथ रात भर जागकर पहरा देते नजर आ रहे हैं, ताकि इस इलाके के मासूम बच्चों को आदमखोर से बचाया जा सके। बता दें, पिछले डेढ़ माह में 5 मासूम बच्चे इस जानवर का निवाला बन चुके हैं। ग्रामीण शाम होते ही भय के साए में घरों के भीतर दुबकने पर मजबूर हैं। वन विभाग एवं लखनऊ से चिड़ियाघर के अधिकारी इस आदमखोर को पकड़ने के लिए सभी जुगत अपना चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है, जिसको लेकर अधिकारी भी हलकान है। आज भी देर रात महसी विधायक सुरेश्वर सिंह इलाके के तमाम ग्रामीणों के साथ रात्रि भ्रमण पर निकले और इस आदमखोर को अतिशीघ्र पकड़वाने की बात कही। अब देखना ये होगा कि भय के साए में जीवन गुजार रहे ग्रामीणों को कब तक चैन मिल पाता है। इस मौके पर भाजपा विधायक ने सभी से कहा कि परिवार को बचाना है तो जागते रहिए, बाकी इस जानवर को पकड़ने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की जांच सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर करवाया जाना चाहिए। कहीं भेड़िये की आड़ में कोई और तो मासूमों पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि परसों मिली एक बच्ची के शव के बाद शंका और भी गहरी होने लगी है। महसी विधायक ने पुलिस प्रशासन पर भी शिथिलता बरतने का आरोप लगाया और अतिशीघ्र इस मामले की जांच की मांग की है। दादी कह रहे हैं हमारे सास सो रहे हैं यहाँ पंजाब तुम लोग कहाँ रहो घटना घट यही पे दूसरी घटिया पे हम थे और दादी के साथ में बच्ची थी। अच्छा, तो ये बताओ जैसे वो बूढ़ा कहा था कि हम उनका पकड़ा, वो बूढ़ होके पकड़ लिए और तुम दो जने? हाँ, वो कटी भैया वैसे है, कटी है, मुंह खाली पकड़ी दांत दांत लाग रहा है कि यहाँ दांत लाग रहा है? एक लाग रहा है, आस भरी रहा है, समझदार आदमी अब जैसे हम कोई कहीं घसीट के लेके जाये, इनका घसीट के लेके जाये तो ऐसे ऐसे खड़े खड़े निशान पड़े हैं कि बेड़े बेड़े निशान है। तो अब कोई कहे कन्या पाती में पहुड़ाए कहे उनके बाद।